क्यों मनाई जाती है बकरीद? आपको बता दें कि बकरीद आने वाली है और आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं कि आखिरकार बकरीद क्यों मनाई जाती है। इस्लाम में कुरान पाक में ऐसा जानकारी मिलता है कि एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से ख्वाब में उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम को सबसे प्यारा अपना बेटा लगता था और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का पूरा मन बना लिया। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उसकी गर्दन पर छुरा रखा कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के चाकू से उसके बेटे की जान बचाकर एक बकरे की कुर्बानी करवाई। बकरीद को ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल जुहा, जिसे हम बकरीद के नाम से भी जानते हैं, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। बकरीद के दिन हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के लिए अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान कराने के लिए राजी हुए थे। यही एक कहानी है जिसके कारण बकरीद मनाई जाती है। बकरीद मनाने का मुख्य उद्देश्य। बकरीद पर्व का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जनसेवा और अल्लाह की सेवा के लिए लोगों को जगाना। ऐसा कहा जाता है कि बकरीद का यह त्यौहार इस्लाम के पांचवें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुसलमान किसी जानवर जैसे बकरा, भेड़, ऊंट की कुर्बानी देते हैं। बकरीद पर कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। बकरीद के दिन सभी लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं। मर्दों को मस्जिद व ईदगाह और औरतों को घरों में ही पढ़ने का हुक्म है। नमाज पढ़कर आने के बाद ही कुर्बानी की प्रक्रिया शुरू करी जाती है। ईद उल फित्र की तरह ईद उल जुहा में भी ज़कात देना अनिवार्य होता है ताकि खुशी के इस मौके पर कोई गरीब महरूम ना रह जाए। बकरीद का त्यौहार तीन दिन मनाया जाता है। अरबी तारीख 10वीं तथा 11वीं तारीख को कुर्बानी का समय पूरा दिन होता है तथा 12वीं यानी तीसरे दिन कुर्बानी का समय सिर्फ 4 बजे तक ही की जा सकती है।